प्रिया तिवारी। जी हाँ दोस्तों, प्रिया तिवारी अभी के टाइम में सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है दोस्तों। चाहे बात करें इंस्टाग्राम रील की, चाहे बात करें शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट की, चाहे बात करें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में प्रिया तिवारी अपनी एक्टिंग के दम, अपने जो वीडियो की क्वालिटी, प्रेशन क्वालिटी के दम में सोशल मीडिया में वायरल हो रही। तो आज हम बात करेंगे इनकी बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमाते हैं, और इनकी हॉबी, इनकी फैमिली में कौन कौन है, और सचिन के क्या लगते हैं, पूरा क्या बायोग्राफी दूंगी इस वीडियो। तो वीडियो को तक जरूर देखना। तो मैं कुलेश बाबू स्वागत करता हूँ सीजी की दुनिया में। तो बात करें प्रिया के बारे में, तो प्रिया का नाम है प्रिया तिवारी और उनका निक नेम है प्रिया। जी हाँ दोस्तों, वो प्रोफेशन से वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक मॉडल रह चुकी है। इन्होंने अपना करियर का शुरुआत टिकटॉक से किया था, टिकटॉक में शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और अभी के टाइम में इंस्टाग्राम में बहुत ही बवाल मचा रही है। अभी के टाइम में इंस्टाग्राम में 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हो चुके हैं और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। जी दोस्तों, तो बात करते हैं इनकी जन्म के बारे में। तो प्रिया तिवारी का जन्म 2003 में सूरत गुजरात में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सूरत गुजरात में हुआ था और उनका होम टाउन सूरत गुजरात ही है। उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई सूरत गुजरात से ही कंप्लीट की है और अभी के टाइम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी सूरत गुजरात से ही कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक भाई है जिनका नाम सचिन तिवारी है, जो इनके साथ डेली वीडियो और डेली व्लॉग और वीडियो में बनाते हुए नजर आते हैं। जो अभी के टाइम में वायरल हो रहा है कि सोशल मीडिया में, यूट्यूब में वायरल ये हो रहा है कि इनके BF है, इनके बॉयफ्रेंड है। तो बता दूं दोस्तों, ये सब चीज़ गलत बात है। ये इनके भाई है और ये दोनों एक साथ रहते हैं, इनके घर है, इनके सगे भाई भी हैं। तो ये सब चीज़ जो वायरल हो रहा है, ये अफवाह फैल रही है, ये सब चीज़ गलत है। ये दोनों भाई बहन हैं और एक साथ ही रहते हैं। तो बात करते हैं प्रिया की हॉबी के बारे में। तो प्रिया को एक्टिंग, डांस करना, शॉर्ट वीडियो बनाना, रील बनाना और थोड़ा हंसी मजाक, फनी कॉमेडी ऐसा करना बहुत ही पसंद है। तो बात करते हैं इनकी करियर के बारे में। तो इन्होंने अपना करियर 2019-20 से स्टार्ट किया था, जहाँ टिकटॉक जिस समय स्टार्ट था, इंडिया में चल रहा था, तो उसी समय इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। इन्होंने टिकटॉक में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। जैसे ही इन्होंने अपना टिकटॉक आईडी बैन हुआ, उनका मतलब इंडिया से बैन हो गया टिकटॉक, फिर इन्होंने अपना कदम इंस्टाग्राम में रखा। इंस्टाग्राम में इन्होंने धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया और शॉर्ट वीडियो का ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लिया कि बहुत ही वायरल चल रहे हैं लोग, और अच्छे कॉमेडी वीडियो और अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक और अच्छी इंप्रेशन क्वालिटी वाले वीडियो बनाते हैं, जो लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं, लोगों के दिल में राज करने वाले वीडियो बनाते हैं। और इनका एक ब्लॉगिंग चैनल भी है प्रिया तिवारी करके, वहाँ भी इनका 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो जाके भी आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में कि इन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ इसको कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से टोटल दोनों से मिलाकर महीना के कम से कम 5 से 6 लाख कमा लेते हैं, जैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।